प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में सरकार लगातार काम कर रही है। खास तौर से सर्दियों के मौसम में विंटर एक्शन प्लान के तहत युद्ध स्तर पे इमरजेंसी कार्यक्रम सरकार की तरफ से चलाया जाता है। दिल्ली में पिछले कई सालों में निरंतर जो लगातार प्रयास हुए उसके परिणाम स्वरूप सर्दियों के मौसम में 30% से ज़्यादा 2016 की तुलना में पिछले सर्दी में प्रदूषण का स्तर कम हुआ है। जो PM10 और PM2.5 जो जिसके माध्यम से प्रदूषण के स्तर को मापा जाता है उसमें जो अच्छे संतोषजनक और मध्यम श्रेणी के दिनों की संख्या है वो 109 से बढ़कर 160 हो गई है। और दिल्ली के अंदर सर्दियों के मौसम में जो सीवियर डेज होते हैं वो भी 2016 में 26 दिन रिकॉर्ड किया गया था, पिछले साल केवल 6 दिन रहा है। ये जो प्रदूषण का स्तर दिल्ली के अंदर घट रहा है उसमें विंटर एक्शन प्लान के तात्कालिक कार्रवाइयों के साथ साथ अरविंद केजरीवाल जी की सरकार जो दीर्घकालिक कार्यक्रम चला रही है उसका भी एक अहम रोल है। विंटर के अलावा प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए दिल्ली के अंदर बाकी समय में क्या किया जा सकता है इसको लेकर के पिछले साल हमने समर एक्शन प्लान की पहल की थी। इस साल भी समर एक्शन प्लान को बनाने के लिए आज दिल्ली सचिवालय में अलग अलग 30 विभागों की संयुक्त बैठक हमने ली है और उन सभी विभागों को 20 तारीख तक 7 दिन के अंदर अपनी कार्ययोजना एक्शन प्लान पर्यावरण विभाग को सबमिट करने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक के अंदर 16 फोकस पॉइंट्स निर्धारित किए गए जिस पर अलग अलग विभाग अपनी कार्ययोजना बनाएंगे, जिसमें पहला पॉइंट है डस्ट पोल्यूशन। इसके लिए PWD, MCD, DCB, NDMC, DDA, CPWD, इरिगेशन फ्लड डिपार्टमेंट, DSIDC, दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली मेट्रो, राजस्व विभाग और नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया, इन डिपार्टमेंट्स की नोडल टीम बनाई गई है जो इस डस्ट पोल्यूशन को लेकर के एक्शन प्लान बनाएगी। दूसरा जो पॉइंट है औद्योगिक प्रदूषण को लेकर के, इसके लिए MCD, राजस्व विभाग, DSIDC और DPCC की टीम बनाई गई है जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन के लिए एक्शन प्लान तैयार करेंगे, समर एक्शन प्लान। ध्वनि प्रदूषण के लिए दिल्ली पुलिस, MCD, राजस्व विभाग, DSIDC और DPCC को नोडल टीम बनाया गया है। वाटर पोल्यूशन के लिए जल बोर्ड, DPCC, DDA, इरिगेशन फ्लड डिपार्टमेंट को इनकी नोडल टीम का गठन किया गया है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इसके लिए MCD को नोडल पॉइंट नियुक्त किया गया है। वृक्षारोपण का जो अभियान है उसको चलाने के लिए वन विभाग नोडल पॉइंट होगा जो सभी विभागों के साथ मिल करके इस समर एक्शन प्लान के तहत वृक्षारोपण के अभियान का अपना एक्शन प्लान सबमिट करेगा। ट्री ट्रांसप्लांटेशन, जैसा आप सब जानते हैं कि एक बड़ा पहल दिल्ली के अंदर की गई है, उसे और कैसे प्रभावी तरीके से लागू किया जाए इसके लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को एक्शन प्लान बनाने के लिए जिम्मेदारी दी गई है। रियल टाइम अपॉर्चुनमेंट स्टडी जो 8वां पॉइंट है इसका,
इसके लिए जो हमने अभियान शुरू किया था, सेंटर बनाया था, उसको हर डिस्ट्रिक्ट में उसकी मोबाइल हमें रियल सोर्स अपोर्चमेंट स्टडी के लिए बैन जो तैयार करना है उसका एक्शन प्लान बनाने की जिम्मेदारी DPCC को नोडल पॉइंट बनाया गया है। ओपन बर्निंग, अभी जब गर्मियां बढ़ती हैं तो जगह 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 आग लगती है, उस ओपन बर्निंग का एक्शन प्लान बनाने के लिए MCD, NDMC, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, इरिगेशन फ्लड, दिल्ली फायर सर्विस DDA और राजस्व विभाग को नोडल टीम बनाया गया है। सिटी फॉरेस्ट को डेवलप करने का काम पिछले साल शुरू किया गया था, वन विभाग को इस साल उसे आगे बढ़ाने के लिए नोडल नियुक्त किया गया है। अर्बन फार्मिंग, उसको गति देने के लिए हॉर्टिकल्चर एनवायरमेंट डिपार्टमेंट को नोडल पॉइंट बनाया गया है। 12वां पॉइंट है दिल्ली में झीलों के डेवलपमेंट, उसके लिए वेटलैंड अथॉरिटी DPGS को नोडल पॉइंट बनाया गया है। दिल्ली के अंदर हरित पार्कों के विकास के लिए दिल्ली के अंदर DPGS, MCD, DDA को नोडल पॉइंट बनाया गया है। ई वेस्ट इको पार्क, उसका जो डेवलपमेंट का काम चल रहा है उससे गति देने के लिए DSIDC, DPCC को नोडल पॉइंट बनाया गया है। 15वां है इको क्लब एक्टिविटी, लोगों के बीच में निरंतर एनवायरनमेंट के प्रति, ग्लोबल वार्मिंग के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए दिल्ली में दिल्ली सरकार के पास 2000 से ज़्यादा इको क्लब हैं, उनको इसमें जागरूकता अभियान के लिए एक्टिव किया जाएगा, जिसमें एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट नोडल पॉइंट बनाया गया है। और साथ ही साथ जो अभी रियल टाइम अपॉर्चुनमेंट स्टडीज़ की तरफ से जो रिपोर्ट आ रही है उसके आधार पर जो हमारे नेबरिंग स्टेट है उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके वहाँ जो जरूरी पहलकदमी है उसके लिए पहल की जाएगी, जिससे कि विंटर के समय जो इमरजेंसी सिचुएशंस आती हैं उसकी पहले से तैयारी की जा सके। तो ये 16 पॉइंट विंटर एक्शन प्लान की तरह समर एक्शन प्लान बनाने के लिए इन सभी 30 विभागों को आज निर्देश दिया गया है। 7 दिन के अंदर ये समर एक्शन प्लान अपना अपना सबमिट करेंगे और 20 तारीख को फिर इनकी दोबारा जो है बैठक की जाएगी, जिसके आधार पर आगे हम अपनी कार्ययोजना घोषित करेंगे।